प्राकृतिक आपदा और गिरते भाव से जूझ रहे किसानों के सामने एक नई समस्या आ गई है। सोयाबीन की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से तेजी जारी है, लेकिन इस बढ़ोतरी से किसानों को नहीं बल्कि चोरों को फायदा हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले चार दिनों में महाराष्ट्र में तीन जगहों पर सोयाबीन की चोरी की खबरें सामने आ चुकी हैं। इससे पहले धुले में प्याज की चोरी हुई थी। अब सोयाबीन की कीमतों में तेजी को देखते हुए राज्य में चोरों ने सोयाबीन की चोरी करने लगे हैं। महाराष्ट्र में बारिश से खरीफ सोयाबीन की फसल को नुकसान पहुंचा था। इसके बावजूद किसानों ने सोयाबीन की कटाई, थ्रेशिंग और भंडारण अपेक्षित दर पर किया था, लेकिन जैसे ही अब सोयाबीन बेचने का विचार किसान करने लगे हैं, तो वहीं अब चोरों ने किसानों के सपने पर पानी फेर दिया है। सोयाबीन चोरी की दो घटनाएं अमरावती जिले में और एक घटना बीड जिले में हुई है। अमरावती जिले के सुपलवाड़ा के एक किसान ने अपने घर के सामने 23 बोरी सोयाबीन रखी थी, जिसमें से 4.5 क्विंटल यानी 7 बोरी सोयाबीन चोरी हो गई है। किसान का कहना है कि चोरी हुए सोयाबीन की कीमत कम से कम 16,000 रुपए के पास होगी, जिसके बाद किसान ने थाने में शिकायत दर्ज भी कराई। किसान बड़ी उम्मीद के साथ सोयाबीन का भंडारण करके रखे हुए थे, इस इंतजार में कि जब भी अच्छा दाम मिलेगा तब उसे बेचेंगे, लेकिन चोरों ने सारी उम्मीदें तोड़ दी हैं। वहीं अमरावती जिले के धुईखेड क्षेत्र में सोयाबीन की कटाई में बारिश के कारण देरी हुई है, लेकिन ही जिले में चोरी की घटना सामने आने लगी, जिसको देखते हुए किसान ने अपने खेतों से सोयाबीन की कटाई नहीं की थी, लेकिन खेतों में चोरों ने रात के समय सोयाबीन की कटाई कर निकाल ले गए, जिसके बाद किसान ने अपनी शिकायत में उल्लेख किया है कि इसमें उन्हें लगभग 50,000 रुपए का नुकसान हुआ है। सोयाबीन की फसल सीजन की शुरुआत से ही प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रही है। खेती के दौरान भारी बारिश के कारण फसलों को नुकसान पहुंचा था, लेकिन अब किसानों को उम्मीद थी कि बची हुई सोयाबीन से 4 पैसे मिल जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे कीमतों में बढ़ोतरी देख चोर सोयाबीन पर हमला कर रहे हैं, ऐसी घटनाएं हर साल होती है, लेकिन इस बार भी चोरों ने बढ़ता रेट देखकर चोरी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।